अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल चिकन बिरयानी अपने ही घर में गालिब के साथ। तो सबसे पहले हम प्याज कट करेंगे। तो ये हमने 3 प्याज ले लिए हैं और 4 टमाटर लिए हैं हमने और कुछ हमने हरी मिर्च है और 1 लेमन लिया है। तो प्याज कट करेंगे, बारीक बारीक स्लाइसेस कर लेंगे इसी तरह जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि ये फ्राई करने में आसानी हो। हमारी वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ और अपनी मोहब्बत का हमसे इजहार करें। तो प्याज हमने चॉप कर लिए, देखें बारीक सी प्याज काटी है, ये देखें। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। चार बड़े साइज के हमने टमाटोज लिए हैं, अब हम इनको कट करेंगे बारीक स्लाइसेस में जैसे हमने प्याज को कट किया है। व्यूअर्स, हमारी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही आसान है, बैचलर्स आराम से बना सकते हैं, फर्स्ट टाइम जो कुक कर रहे हैं बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है। इंशाल्लाह अल्लाह आपके खानों में बरकत दे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो टमाटर के देखें हम बारीक बारीक स्लाइसिस कर रहे हैं। ये हमने लेमन लिया, एक लेमन को अब इसी तरह से बारीक स्लाइसेस में काट लेंगे। 4 से 5 आपको हरी मिर्ची चाहिए होंगी बारीक कटी हुई। आप इसको साबुत भी डाल सकते हैं, हम लोग इसको इसमें साबुत डाल देंगे। लेमन के बारीक स्लाइसेस कर लेंगे। ये देखें जनाब, लेमन के बारीक स्लाइसेस कर लिए हमने। अब हम करेंगे पोटैटोज़ को कट। हमें इसमें 2 से 3 पोटैटो चाहिए होंगे दरमियाने साइज़ के। हमने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 ही लिए हैं। एक हमारे पास बड़े साइज़ का पोटैटो है, इसको भी हम मीडियम साइज़ में कट कर लेंगे। ज़्यादा बड़े कट नहीं कीजिएगा क्योंकि इसको गलाने में देर हो जाती है और ये फिर देर से गलते हैं। अच्छी तरह पोटैटोज़ गलें तो बिरयानी का मज़ा दुबला हो जाता है। तो आपको छोटे छोटे पीस तरह से काट लेने हैं। ये देखें बिस्मिल्लाह, ये देखें बारीक स्लाइसेस हमने इसको काट लिया। अब हम ऑयल लेंगे, पतीले हमने गर्म किया हुआ है, 1 कप हमने भर के ऑयल लिया। ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं सेहत के लिए, अगर आपको अच्छी सेहत बनानी है तो आप ज़ैतून का तेल इस्तेमाल करें। प्याज फ्राई कर लेंगे सबसे पहले, जो हमने बारीक काट के रखी है, गोल्डन ब्राउन करेंगे। ख्याल रखिएगा कि ये प्याज आपकी जल ना पाए। ये देखें जनाब माशाल्लाह, चम्मच लाएँगे थोड़ा सा, ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया हमारा। चैनल को नाज़रीन ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर व्यू करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आगे आने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक गौर से देखें। ये देखें प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया। देखें माशाल्लाह, अल्लाह आप लोग खाना में बरकत दे। वाह कितनी प्यारा कलर आया। ये हमने चिकन लिया, तकरीबन ये छोटे वाला चिकन है 1.5 kg। ये हमने प्याज को ब्राउन करके उसमें शामिल कर दिया। तो हम इसको भुनेंगे ताकि चिकन में से हल्की जो स्मेल होती है और पानी होता है वो निकल जाए। हम तरह को फ्राई कर लेंगे। टू टू थ्री टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जितना भी ज़्यादा हो खाने में उतना ही अच्छा होता है, उतना ही अच्छा मज़ा आता है, उतना अच्छा ही टेस्ट खाने में आ जाता है। इसको हिलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चम्मच चलाएंगे, इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से सूख जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी है। हम इसमें हमें 5 से 6 अदद इसमें आलू बुखारे डाले। जब हम इसमें हमने बिरयानी का पैकेट बाहर से लेके आए तो ये तकरीबन 1.5 पैकेट है जो कि हमने चिकन में डाल दिया है। अब अपने घर के मसाले में बना सकते हैं, बट हमने यहाँ पे बाजार का पैकेट लिया है क्योंकि बार दफ़ा बैचलर स्टूडेंट बाहर रहते हैं। तो सबसे आसान तरीका यही है, आप बाज़ार से जाके चिकन का पैकेट लेके आएँ और उससे चिकन बिरयानी बना लें, जो कि आपके लिए बहुत ही आसान है और हैज़ल फ्री है, खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए और बैचलर्स के लिए। तो हमने 1.5 पैकेट बिरयानी का पैकेट लिया है, इसमें डाला है हमने 5-6 आलू बुखारे हमने डाले थे। हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
ये देखिए जनाब, अलहमदिल्ला क्या दबस कर रहा है, मसाला बन रहा है, चिकन अच्छी सी फ्राई भी हो चुकी है। तो तेल इसने बहुत जल्दी छोड़ दिया है, पानी हमने खुश किया था स्टार्ट में। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। हमने ज़्यादा चिकन को नहीं पकाया है क्योंकि टमाटर के साथ भी चिकन गलेगी, तो आपको कम भुनना है ताकि चिकन आपके टूटे नहीं। तकरीबन 5 मिनट 8 मिनट आप चिकन को भुनें, फिर इसमें टमाटर डाल दें। टमाटर के साथ हम इसमें लेमन के बारीक स्लाइसेस जो हमने काट के रखे थे वो भी डाल दें। लेमन से बिरयानी का जायका बहुत ही अच्छा आता है खटास की वजह से। मिर्ची हम बाद में डालेंगे, इसको चम्मच लाएंगे अच्छी तरीके से, सबको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए रखेंगे 10 से 15 मिनट, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएँ और चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। तो 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देते हैं। देखें टमाटर भी गल लें, टमाटर को गलते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हुए थे। हम इसमें आलू भी डाल देंगे क्योंकि आलू गलने में टाइम लगते हैं और चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। तो हम साथ ही इसके अंदर पोटैटोज़ भी ऐड कर देंगे ताकि ये टमाटर के साथ ही गल जाएँ। ये देखें माशाल्लाह कितना बस कलर आया, टमाटर भी गल रहे हैं, आलू भी गलना शुरू हो गए, साथ साथ चिकन भी गलना शुरू हो गई है। हमने आलू इसलिए जल्दी डाले हैं पास पर आलू कच्चे रह जाते हैं और फिर बिरयानी का जायका वो नहीं रहता जिस तरह से होना चाहिए। थोड़ी देर और पकाएंगे इसको, देखें माशाल्लाह अच्छा चक्कर रहा है। इसमें हम तकरीबन आधा प्याली योगर्ट शामिल कर देंगे। योगर्ट तभी शामिल करेंगे जब चिकन गल जाए और आपके टमाटर भी अच्छी तरह गल जाए। हम योगर्ट डालेंगे इसमें, ज़्यादा योगर्ट नहीं डालना है क्योंकि योगर्ट बहुत सारा पानी छोड़ता है, तो कम ही योगर्ट डालेंगे क्योंकि हमने टमाटर अच्छे से डाले हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, वीडियो को ज़रूर देखते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स आ रहे हैं और ये बहुत ही मज़े की बिरयानी बनेगी। अब इसको हम गलने के लिए रख देते हैं और साथ में हरी मिर्चें भी शामिल करते हैं जो हमने काट के रखी हुई हैं। इसको 10-12 मिनट और पकाएंगे। मीनवाइल हम लोग पानी गर्म कर लेते हैं चावलों के लिए। तो ये हमने 1 टेबल स्पून नमक का डाला है, 3 से 4 दाने हमने इलायची के डाले हैं सादे पानी में नमक के साथ, तेज़पात के पत्ते डाले हैं 3 छोटे वाले, नमक और डालेंगे हसबे जायका तकरीबन 2 से 3 चम्मच डलते हैं इतने, इसके हिसाब से 1.5 किलो तकरीबन बिरयानी के इसमें चिकन है, तो हमने 2 टेबल स्पून नमक के डाला है जो कि आप हसबे जायका भी डाल सकते हैं। पानी बॉईल करेंगे अच्छा सा, फिर इसमें चावल ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह हमारा पानी कितना अच्छा बॉईल हो गया है। अब इसमें हम राइस शामिल करेंगे। राइस को आपने 80-85% पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हम इसको दम के टाइम भी पकाएंगे। ये हमने चावल डाल दिए, तकरीबन 5 कप चावल है, 1.5 किलो बिरयानी के लिए छोटे कप, ताकि मसाला और चावल का बैलेंस रहे। 5 से 5.5 कप आप डाल सकते हैं 1.5 से 2 किलो चिकन के साथ। इसको हम चावलों को अच्छी तरह बॉईल करेंगे, 80-85% पका लेंगे। ये देखिए हमारा मसाला भी रेडी हो गया है, दही का पानी भी काफ़ी हद तक हो चुका है, इस पर हम पुदीना डाल देंगे। पुदीने से बिरयानी की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। चावल हमारे तैयार हो गए हैं 85%, अब हम चावल इसमें शामिल कर रहे हैं। आपने ऊपर से चावलों की तह बिछा देनी है, चिकन को निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस चावलों के ऊपर आप चाहें तो खुशबू के लिए देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास देसी घी नहीं था तो हम देसी घी नहीं डाल रहे हैं। आपके पास देसी घी है तो इसमें ज़रूर देसी घी डालेंगे तो बहुत ही खुशबू अच्छी आएगी। तो चावलों को अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूट इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके हम इसमें जरदया कलर शामिल करेंगे। वाइट और ऑरेंज चावल से बिरयानी का जो शेप होता है वो बहुत ही उमदा लगता है। साथ में ऊपर से हम पुदीने के पत्ते डाल देंगे खुशबू के लिए। इसको ढक के रख देंगे। चावल हमने 80-85% पकाएं तो इसको दम अच्छे सा लगाना है आपने 20 से 25 मिनट, ताकि चावल अच्छे से गल जाएं। ये देखें 20 से 25 मिनट हमें हो गए, देखें क्या ज़बरदस्त कलर आया माशाल्लाह, ये हमारी बिरयानी तैयार है। देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त कलर आया। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, गालिब दुआ फिर से हाजिर होगा एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह आपके खानों में बरकत दे और खूब सारी नेमतें दे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।